अलीगढ़ के ऊपर कोट वार्ड नंबर 87 में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में महीने भर से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जिंदगी बसर करना काफी मुश्किल हो रहा है। पानी पीने से लेकर खाने पीने तक की परेशानी लोगों को हो रही है, जिससे आक्रोशित लोगों ने भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान होकर नगर निगम में जाकर धरना प्रदर्शन किया और पानी की समस्या का समाधान करने की अपील की, जिसके लिए अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। वहीं अपर नगर आयुक्त ने लोगों को जल्द पानी की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। दुनिया आए क्या त्याग आए, पानी एक बूंद नहीं मिल रहा हमें, एक महीना हो गया परेशान होते होते। बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे, पानी मिल ना रहा, नाश्ता कहाँ से बना है ये बताइए आप। हैं, हमें पानी मिलना चाहिए, हैं हर गर्मी आती है तर पानी बिल्कुल नहीं दे दें। ऊपर कोट चिराग चैन एक महीना हो गया नहीं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अब आप कहाँ पर आए हैं सर? नगर निगम आए हैं। का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल से खराब है। ठीक है, मैं वार्ड नंबर 87 बनिया पड़ा उपकोट से, पार्षद मोहम्मद सुफियान यासीन। परेशानी ये है कि ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में हम रह रहे हैं और यहाँ हमें पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है। गर्मियों का टाइम है, 15 दिन से ऊपरकोट पर क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक तो पानी आता थोड़ा बहुत, यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। निगम ने पूरा मार डाला गरीबों को, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, पीने तक के लिए पानी नहीं है, दूसरे मोहल्लों में से जाके पानी लेके आना पड़ रहा है। हमें हर बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका एक हफ्ते में सही हो जाएगा, कभी कहीं का ट्यूबवेल ख़राब कर देते हैं, कहीं का ट्यूबवेल ख़राब कर दें, आपस में विवाद हो रहा है लोगों में पानी के लिए, कभी कहीं से ला रहा है कभी कहीं से ला रहे हैं। ये लेडीज़ सारी आई हुई हैं, कहाँ पर आई हुई हैं? ये नगर निगम आए हुए हैं और यहाँ पर हमने नगर आयुक्त से मिलना चाहा तो पता लगा नगर आयुक्त साहब आज आए नहीं हैं, GM साहब भी आज आए नहीं हैं। उनको पता था कि हम लोग आ रहे हैं। अपन नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा लाइन पड़ने का। तो किस तरह की गर्मी है? गर्मी इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, बेइंतहाशा गर्मी है और एक बूंद पानी घरों में नहीं है। और जब तक पानी, आपको पता है गर्मी में पानी घर में नहीं होगा, बच्चों को पानी पिलाएगा कैसे, गेस्ट आएंगे घर में नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चों के स्कूल जाएंगे। अगला कदम ये होगा, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है ऊपरकोट जाम हो जाएगा, जुमे के दिन धरना देंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है ना कमिश्नर साहब से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे, पूरा हम प्रयास करेंगे किसी तरीके से अपने क्षेत्र में पानी आए, क्योंकि इतनी परेशानी हमने आज तक नहीं देखी है हमारे क्षेत्र का पानी, क्योंकि हमारे पानी बिल्कुल उतर चुका नीचे, ये समझ लीजिए पानी छोड़ ही नहीं रहे नीचे पानी। क्या नाम है, कौन सी वार्ड की? वार्ड नंबर 87 ऊपरकोट से हम बनिया पाड़े से, मोहम्मद सुफियान यासीन। वहाँ की वार्ड 87 के माननीय पार्षद जी आए हुए थे, उन्होंने पानी की समस्या के बारे में बताया कि पानी वहाँ लोगों के घर तक नहीं पहुँच रहा है। इस संबंध में मुझे GM साहब से वार्ता की गई और उनको लिखित भी भेजा गया है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का निदान कराएं, जिससे लोगों को पानी मिल सके, क्योंकि वहाँ समस्या है और उसको मैं वार्ता करके जल्द ही उस समस्या का समाधान संबंध में आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।